हाय, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस टाइप्स के क्रिएटिव मॉडर्न डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करें, वो भी कम समय में। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे किसी भी डिज़ाइन पर यूज कर सकते हो एंड अपने स्किल्स को और भी डेवलप कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप क्रिएटिव और ट्रेंडिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक पेज क्रिएट करेंगे विथ 1080, हाइट 1080 एंड रेजोल्यूशन 300। आप साइज विथ और हाइट को स्क्वायर में भी आप कोई भी साइज दे सकते हो, 1200x1200 एंड 600x600 भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1080 हाइट 1080 यूज किया है एंड क्लिक क्रिएट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे जो हम लोग इमेज यूज करने वाले हैं वो हमारा ये रहा। इसे इसका बैकग्राउंड हमने पहले ही रिमूव कर रखा है, मैंने जस्ट यहाँ पे इसे ड्रैग कर रहा हूँ एंड प्रेस कंट्रोल टी करके इसे अपने अकॉर्डिंग बिगर कर लेंगे। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बिगर कर लेना, मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसा बिगर किया। एंड इसके बैकग्राउंड के कलर पे हम लोग यहाँ से क्लिक करना है नीचे यहाँ पे एंड सॉलिड कलर पे क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ से, मैंने इसके टाई के कलर से ही इस कलर को पिक किया है, सो आप इसको यहाँ से पिक कर लेना एंड क्लिक हिट ओके। इसे हम लोग यहाँ पे ब्लॉक कर रहा हूँ एंड देन इस इमेज को हम लोग और थोड़ा बिगर करेंगे। ओके, आप इसे और अच्छे से रिमूव कर लेना बैकग्राउंड को। एंड देन हम लोग इस इमेज पे एक टेक्सचर हाफ टोन का इफेक्ट मैं यूज करने वाला हूँ, जो कि आपको सिंपली गूगल पे सर्च करोगे अगर हाफ टोन तो आपको वहाँ पे इसका वो टेक्सचर मिल जाएगा। डिज़ाइन पे से यूज कर लेना। ओके, मैंने जैसे इसे यूज किया है, डाउनलोड किया है गूगल से एंड इसे मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, इसको हम लोग ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पर रखा हूँ, ठीक है। एंड अपेसिटी अपने अकॉर्डिंग इसे आप डाउन एंड अप कर सकते हो, मैं यहाँ पे फुल ही रख रहा हूँ। एंड सी, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक टच आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड सेकंड हम लोग यहाँ पे आप करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड जस्ट मैं यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसके साइज को भी मैं वही कलर यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने बैकग्राउंड पे लिया था। एंड जस्ट इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, देखते हैं आज ब्लेंडिंग मोड कहाँ पे सेट कर रहा है। आई थिंक ये सॉफ्ट लाइट पे ये सही है, इसको मैं ओके करता हूँ। सॉफ्ट लाइट पे मैंने यहाँ पे जैसे इसे क्लिक किया एंड हाफ टोन को हम लोग यहाँ से इसे लॉक करते हैं एंड इमेज के साइज को मैं थोड़ा और बिगर करूँगा, ठीक है। एंड आप इस इमेज पे इफेक्ट डालने के लिए आप फिल्टर पे क्लिक करना, कैमरा और फिल्टर पे जाना एंड यहाँ से आप लोग इमेज पे लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। तो जस्ट मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, एक्सपोजर को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, हाईलाइट को मैं थोड़ा, शैडोस को इधर करूँगा, क्लैरिटी को थोड़ा मैं कम करूँगा एंड टेक्सचर को मैं थोड़ा इंक्रीज करूँगा। ओके, जस्ट क्लिक इट ओके। ओके, एंड इन सबको हम लोग अब इसे लॉक कर लूँगा, ठीक है। इमेज को भी हम लोग यहाँ पे लॉक कर लेंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना करें हमें बीच में। ओके, एंड देन हमारा जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा एंड फॉन्ट का नाम है नकल डॉन। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन मैं सही कर रहा हूँ, नकल डॉन, अगर रॉन्ग हुआ तो आप लोग बताना। मैं इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करना, मुझे यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है एंड डिजिटल यहाँ पे क्लिक किया एंड प्रेस कंट्रोल टी करके इसके साइज को मैं बिगर करूँगा। ओके, इसके साइज को मैं यहाँ पे 43 ले लेता हूँ। इमेज को हम लोग थोड़ा और लेफ्ट साइड लेके चलेंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर यहाँ पे सेट हो जाए। इस वाले कर्व वाला जो एरिया है यहाँ से हम लोगों को इसे सेट करना है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे इसे सेट किया। टी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसे कैप्स लॉक करके इसे मैं ऑन करूँगा तो इस टाइप से ये टेक्स्ट का फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे इसे सेट किया एंड इसी का एक मैंने डुप्लीकेट किया प्रेस कंट्रोल जे से और इसे नीचे लाऊंगा, ड्रैग करूँगा, थोड़ा छोटा करूँगा और इसके साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज करूँगा। इसके साइज को मैं स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। एंड इसका जो टेक्स्ट है वो है मार्केटिंग। ओके,
मैंने जस्ट यहाँ पे ड्रैग किया एंड इसके लाइन पे ला करके इसे यहाँ पे सेट किया। इसके साइज को आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज कर लेना, मैं इसे यहाँ पे इंक्रीज किया सेट कर लूँगा। ओके जस्ट इसे एक और कॉपी करेंगे, ऑल्ट को ड्रैग होल्ड करके रखेंगे और इसे ड्रैग करेंगे तो ये ऑल्ट कॉपी हो जाता है। इसे डबल क्लिक करके यहाँ पर हम लोग एक्सपर्ट लिखेंगे। ओके जस्ट मैंने इसे यहाँ पर रखा, साइज को मैंने थोड़ा स्मॉल किया एंड जी एंड मार्केटिंग के जो कलर है फॉन्ट का वो मैं यहाँ पे येलो कर रहा हूँ। ठीक है मैंने यहाँ पे येलो ऐसे पिक किया एंड डिजिटल का मैं ए को येलो करना चाहूँगा, इसे येलो मैंने किया एंड क्लिक हिट ओके। ओके एंड टेक्स्ट के एक्सपर्ट पे मैं एक शेप डालूँगा क्योंकि अभी ट्रेंड में चल रहा है, इसके शेप पे मैं जस्ट एक शेप क्रिएट करूँगा स्मॉल सा स्क्वायर में ही रखूँगा। ओके एंड जस्ट मैं इसे इसके नीचे लेकर के आऊँगा। इस टेक्स्ट पे क्लिक करके इसके कलर को हम लोग बैकग्राउंड से पिक करेंगे एंड अगेन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग सेंटर अलाइन करेंगे। ओके एंड टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा इधर लेके आऊँगा। सॉरी यहाँ पे हमारा इमेज भी मूव कर रहा है तो इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे एंड इसे हम लोग यहाँ पे लॉक कर लेंगे। इन सारे टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, हाफ टोन का जो हमारा इफेक्ट था जस्ट उसके नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इस टेक्स्ट पे भी हमारा वो इफेक्ट दिखने को मिलेगा। ओके तो ये रहा हमारा टेक्स्ट हो चुका है एंड हमारा जो सब टाइटल है हेड टाइटल टैगलाइन है वो मैं यहाँ पे यूज करूँ तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। इनका फॉन्ट का नाम है नूनीटो सन्स, ये भी गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया एंड मैं यहाँ से इस सारे को वाइट कर लूँगा फिलहाल एंड यहाँ पे इसके साइज को मैं थोड़ा स्मॉल करूँगा, थोड़ा सा बिगर कर लेंगे एंड नाउ यहाँ पे एक शेप और हम यहाँ पे डालेंगे। ओके फोटो के साइज को हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ एंड देन हम लोग यहाँ पे पेन टूल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कर्वेचर पेन टूल पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिल को हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे, स्ट्रोक का वाइट लूँगा। ओके एंड जस्ट इसे क्लिक करना है लाइक दिस। ओके एंड इसे हम लोग थोड़ा नीचे लेकर के आएंगे। साइज को आप लोग अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो जस्ट इस पर क्लिक करके आप यहां से इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। ओके डन एंड जस्ट एक और शेप में यहां पे लाइन क्रिएट लाइन में यहां पे ड्रॉ करूंगा जस्ट यहां पे। तो जस्ट मैंने यहां पे क्लिक किया जस्ट यहां क्लिक। ओके एंड इसे ऊपर में ड्रैग करेंगे एंड इसके भी साइज को हम लोग यहां पे 3 लेके चलूँगा। ओके यहाँ पे जस्ट इसे ड्रैग किया। ठीक है एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अगेन लॉक कर लूँगा। ठीक है एंड नाउ रेक्टेंगल पे अगेन क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्ट्रोक को बंद करना है एंड फिल को हम लोग यहाँ पे ये कलर यूज करेंगे जो कि जो मैंने बैकग्राउंड में यूज किया था एंड जस्ट यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करना है। शेप ड्रॉ करने के बाद आपके पास ये पैनल खुलेगा, आपको जस्ट यहाँ पे इसे इसके साइज को राउंड कर देना है एंड इसे एक और डुप्लीकेट करेंगे। ऑल्ट के बटन को आप प्रेस करके रखोगे एंड जस्ट इसे ड्रैग करोगे एंड प्रेस कंट्रोल टी एंड इसके साइज को आप इसे बिगर करना है। ओके एंड इसके इसे भी और हम लोग थोड़ा राउंड कर लेंगे। इनके साइज को हम लोग यहाँ पे येलो डाल लेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है इसे शिफ्ट और होल्ड को होल्ड करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन किया। ओके एंड अगेन मैं टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेंगे एंड यहाँ से हम लोग जस्ट इस पर मैं एक टेक्स्ट टाइप करूँगा ज्वाइन। इस
इसके साइज को हम लोग थोड़ा सा और स्मॉल करेंगे एंड इसे डुप्लीकेट करने के लिए सेम प्रोसीजर ऑल्ट को ऑल्ट करके रखेंगे और इसे ड्राई करेंगे। इसके साइज को हम लोग यहाँ पे बिगर करेंगे एंड टेक्स्ट के फॉन्ट का जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे चेंज करना है एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल देंगे। ओके एंड अगेन हम लोग यहाँ पे अभी भी डिज़ाइन थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो यही है हमारा मॉडर्न ट्रेंड डिज़ाइन का लुक जो कि हम लोग यहाँ पे एक शेप से इसे फिल करने का कोशिश करेंगे। जस्ट हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है एंड इलिप्स टूल पे जाएंगे एंड फिल के कलर को हम लोग यहाँ से येलो लेंगे एंड इसे शिफ्ट के साथ शिफ्ट को होल्ड करके इसे हम लोग ड्रैग करना है, ठीक है। एंड हिट क्लिक हिट ओके एंड अगेन यहाँ पे हम लोग मार्क्यू रेक्टेंगल मार्क्यू टूल पे क्लिक करेंगे एंड इसके हाफ को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट यहाँ पे हम लोग क्लिपिंग मास्क कर देना है। ओके एंड इसके साइज को हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे, राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है एंड जस्ट मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग किया। ओके एंड अगेन हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे जाना है एंड इसके एक हम लोग यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट करेंगे। ओके एंड इस स्क्वायर को हम लोग थोड़ा सा स्मॉल करके हम लोग यहाँ पे इसे यूज करेंगे। ओके अब डिज़ाइन यही है मॉडर्न डिज़ाइन ट्रेन का लुक, तो हम लोग यहाँ पे इसे यूज किया एंड इसे और डुप्लीकेट करने के लिए ऑल्ट बटन को प्रेस रखेंगे एंड बस जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। एंड दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस कंट्रोल टी एंड हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देना है तो ये वर्टिकल इस साइड में हो जाएगा, बस मैंने इसे यहाँ पे सेट करना है। ओके एंड अगेन हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे जाना है, एलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे और सर्कल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके मैं इस सर्कल को जस्ट इस इमेज के नीचे लेके चलूँगा। ओके मैंने इसे नीचे रखा, प्रेस कंट्रोल टी किया एंड इससे हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। ओके जैसे यहाँ पे इसे सेट किया, इसे एक और कॉपी करेंगे कंट्रोल जे से, अगेन कंट्रोल टी प्रेस करेंगे एंड इसे हम लोग यहाँ पे स्मॉल करके इसे यहाँ पे सेट करेंगे। ओके लाइक दिस एंड इसे इस रेक्टेंगल को हम लोग कॉपी करेंगे ऑल्ट को होल्ड करके एंड इसे प्रेस कंट्रोल टी करके इसे हम लोग यहाँ से 45 डिग्री पे शिफ्ट को होल्ड करके रखना और इसे माउस से 45 डिग्री पे इसे रोटेट करके तो जस्ट मैं यहाँ पे इसे छोड़ रहा हूँ एंड अगेन इसके एक और कॉपी को कॉपी करेंगे तो ऑल्ट को बटन करके ड्रैग करेंगे इस वाले लेयर पे एंड प्रेस कंट्रोल टी करके इसे मैं जस्ट छोटा करके मैं जस्ट इसके ऊपर ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको और अगर आप चाह रहे हो कि इसे एक और कॉपी करके हम लोग कहीं और सेट कर लें तो बस मैंने जस्ट यहाँ पे इसे सेट किया, ठीक है। यहाँ पे आप इसे डाल लेना, ठीक है। तो सो फाइनली हमारा डिज़ाइन अब रेडी हो चुका है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।